नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज, मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी निमिषा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है गुजरात के सूरत से, जहां पर एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लग चुकी है। विजुअल्स के बारे में बताएंगे निमिषा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, करीब करीब 15 लोग मर चुके हैं इस भयंकर आग में। और एक कोचिंग सेंटर में आग लगी है, ये बताया जा रहा है। कोचिंग सेंटर जो कि थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे चलता था, और आग लगी है सेकेंड फ्लोर पे। विजुअल्स में ये देखा जा सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद भी रहे हैं, और जो जिनको बचाया जा सकता था उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। निमिषा से पूछते हैं बाकी और सारे अभी तक जो खबरें आई हैं, जो इनपुट्स हैं हमारे पास, निमिषा बताएंगी आपको। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा आग लगी है, बहुत ही बच्चे मारे गए। जैसे आपको ने बताया 15 बच्चे यहाँ पे और ऊपर से बच्चे कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं, और विजुअल्स में जंप अपने बिल्डिंग से जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। टू सेव देयर लाइव्स 10 लोग हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड नीचे भी सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी, दे हैव बीन कंफर्म रिपोर्ट्स की। निमिषा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि पीएम मोदी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और घटना पर खेद जताया है। वहीं गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने इसके इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे दिए हैं इस घटना के बारे में, और 4 लाख हर स्टूडेंट को के परिवार वालों को देने का ऐलान किया है। निमिषा, और अभी जो हमारे पास जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अभी तक 15 बच्चों की मौत हो चुकी है कोचिंग सेंटर में, और इवैक्यूएशन हो चुका है वहाँ पे। अभी इस वक्त फिलहाल वहाँ बिल्डिंग पे कोई है नहीं, और अभी सारा सब बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। इट वाज अ हॉरिफिक इंसिडेंट, एंड विजुअल्स भी लोगों ने बनाए हैं, ट्विटर पे शेयर किए हैं। और पीएम मोदी जैसे आपने बताया, मोदी ने भी ट्वीट किया है, मैं उनका ट्वीट आपके लिए पढ़ देती हूँ। एक्सट्रीमली एंग्विश्ड बाय द फायर ट्रेजेडी इन सूरत, माय थॉट्स आर विद द बीवरेड फैमिलीज, मे द इंजर्ड रिकवर क्विकली, हैव आस्क्ड द गुजरात गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। इसी के आगे राजस्थान का सीएम अशोक गहलोत ने भी इस चीज पे ट्वीट किया है। धीरे धीरे लोगों को पता लग रहा है, तो वो अपना कंडोलेंसेस इन फैमिलीज को दे रहे हैं। जैसे हमने बताया 4 लाख फैमिलीज को मिलेगा जिन बच्चों की मौत हुई है। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने सतीश कुमार मिश्रा ने बोला है, कंफर्म कर दिया है कि 15 लोग हैव बीन डाइड इन दिस फायर। और हमेशा ये भी बता देते हैं दर्शकों को कि अभी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा चुका है, और पुलिस कमिश्नर सतीश कुमार मिश्रा ने ये भी बताया है कि अभी अभी मौतों की संख्या बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, डेथ टोल में राइज, और अभी तक जहां जानकारी आ रही है 19 फायर टेंडर्स एंड 2 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स वर पास इन द सर्विस टू क्लियर द फायर। मेनी पीपल हैव बीन रेस्क्यूड एंड सेंट टू द हॉस्पिटल टिल नाउ, बट डेथ टोल में राइज, जैसे कि पुलिस कमिश्नर ने हमें बताया, मिस्टर सतीश कुमार मिश्रा ने हमें बताया कि डेथ टोल में राइज, डेथ की संख्या बढ़ सकती है। सो अभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बाकी आप बताना चाहेंगे कुछ। अभी अभी तक जो इस खबर के बारे में हमें जानकारी है, ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, और जैसे ही नए अपडेट्स हमारे पास आते हैं, नए और दूसरी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहे न्यूज के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। हम विदा लेते हैं, मैं अंकुर वाजपेयी और निमिषा।